हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी निशू खान विद न्यू बैकग्राउंड। भाई रमज़ान है और रोज़े ने हालत ख़राब कर दी है, तो आई थॉट नीचे ज़मीन पे मैं यू बैठ कर ये वीडियो बनाऊं, क्योंकि कुर्सी पे बैठ के मेरी बैक पे बहुत सख्त दर्द होता है। तो आई थॉट वाई नॉट चेंज, क्योंकि आप मुझे पसंद करते हैं, मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, तो बैकग्राउंड इतना मैटर नहीं करता। लाइक आप लोग मुझे देखने आते हो बैकग्राउंड को थोड़ी, आई नो बैकग्राउंड मैटर्स, बट कभी कभी चलता है क्योंकि आप सब मेरे दोस्त हो। और यू नो, तो आज का टाइटल आपने पढ़ लिया होगा कि क्या है। आज का टाइटल जो है वो शॉपिंग हॉल है मिनीसो से। 5000 रुपीज़ में मैंने क्या कुछ ख़रीदा है, बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं फॉर यू, आपके घर के लिए। ठीक है, आपका घर जो है, मक्खी माफ़ कर दे, आपका घर जो है ना महकता रहे, ऐसी चीज़ें भी मैंने ख़रीदी हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप मेरी तरह हाउस वाइफ हैं तो मतलब पैसे जगह पर लगाना इस सो मुश्किल, तो मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने जो चीज़ें ख़रीदी हैं मैं आपको दिखाऊं। तो हो सकता है कि आप लोगों को चीज़ें सिलेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो। ठीक है ना, तो वीडियो शुरू करते हैं, और अगर पसंद आए तो मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने ख़रीदा है, इट स्मेल्स सो गुड, सो गुड। आप लोगों ने अगर देखा हो, डिफ्यूज़र्स देखे हों जिसमें वो तिनके से लगे होते हैं, आई एम ऑब्सेस्ड। लाइक उनका नाम मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन आई एम ऑब्सेस्ड। मैं जब भी मिनीसो जाती हूँ मैं ख़रीदती हूँ, लेकिन वो इतने जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, लाइक महीना भी नहीं निकालते, हफ्ते के अंदर अंदर ख़त्म हो जाते हैं। सो जो ये चीज़ मैंने ख़रीदी है, इट इज़ सो गुड। सबसे पहली बात, इट स्मेल्स सो गुड। ये है एयर फ्रेशनर, सी ब्रीज प्लेजेंट सेंट अराउंड यू। ठीक है, तो जो कि दिखती कुछ इस तरह से है, ये अंदर से कुछ सॉलिड वैक्स फॉर्म में होती है। ये फुल यहाँ यहाँ तक भरा हुआ था, और इसको तकरीबन एक महीना हो गया है कि मैंने ये चीज़ें खरीदी हैं, एंड आई वाज थिंकिंग कि मैं इसकी वीडियो बनाऊँ और आप लोगों से शेयर करूँ। तो ये देखिए ज़रा, ये कितना यूज़ हो चुका है। यूज़ इस तरह से, बस आपने इसका ऊपर से ढक्कन जो होता है वो रिमूव कर देना है, और जहाँ आपको चाहिए थोड़ी सी खूबसूरत और ठंडी और रिफ्रेशिंग सेंट, तो वहाँ पे आपने ये रख देना है। आप इसको किचन में भी रख सकते हो, आप इसको वॉशरूम में भी रख सकते हो, आप इसको टीवी लॉन्च में भी रख सकते हो, लाइक जहाँ आपका दिल करे, इवन अपने साइड टेबल पे भी रख सकते हो। सो ये रही इसकी कैप। ठीक है, ये इस तरह से पैक होके आता है, और ओप्स कैप उतारना थोड़ा सा मुश्किल है। एंड सबसे बड़ी बात, द पैकेजिंग इज सो क्यूट, लाइक इट लुक्स लाइक कैंडल बट इट इज़ नॉट कैंडल, इट इज़ हार्ड, बट आई डोंट नो कि ये एवेपोरेट कैसे होता है। सो गुड, सुपर हार्ड एंड जेली फॉर्म में है। प्राइजेस वगैरह जो है मैं स्क्रीन पे मेंशन कर लूँगी। सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इज़ लग्जरी सीरीज 3 कैंडल विक सेंटेड कैंडल, और इसका फ्लेवर जो है वो कोकोनट प्लस लाइम वर्बीना है, एंड इट स्मेल्स डिवाइन। अगर आपको स्वीट सेंट कैंडल्स पसंद हैं, दिस इज़ अ परफेक्ट मैच फॉर यू। इट कॉस्ट मी 800 रुपीज़, लेकिन अगर आपको कैंडल्स पसंद है और आप लेते रहते हो, सो यू गाइज नो के सेंटेड कैंडल्स कितनी एक्सपेंसिव होती हैं। 2500 3000 तक एक कैंडल की कॉस्ट होती है। बाथ एंड बॉडी के कैंडल्स अगर आप लेते हो, सो दे आर रियली एक्सपेंसिव एज़ कम्पेयर टू देम, लाइक दीज आर मच चीपर। सो आउटर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, इनर पैकेजिंग लुक्स लाइक दिस, so pretty and smells really really good। अच्छा, so इसका size जो है वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, and it smells so good। मैं आपको बता नहीं सकती, smells like vanilla cupcake, like इसकी scent जो है बहुत ही sweet, प्लस लाइम और चीनी और नींबू को मिक्स करें वैसी सेंट है इसकी। कैंडल की कंपैरिजन करें, सो आई गॉट दिस कैंडल फ्रॉम यांके कैंडल्स। ठीक है, और ये है ट्रू रोज, और इसकी प्राइस थी 3000 समथिंग, 3600 और 200 समथिंग इसकी प्राइस थी, बट दिस वर्थ द प्राइस। इट स्मेल्स लाइक रोज पेटल्स। ठीक है, और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होती। काफ़ी जो लोकल कैंडल्स होती हैं ना, उनको जलाओ तो एक ही दिन में मुक जाती हैं, पर इसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
so good but expensive. Then मैंने खरीदा है DIY beauty kit 4 pieces. ये बहुत ही important चीज़ है. अगर आप घरेलू नुस्खे जो हैं वो DIY करके अपने face पर apply करते हैं, DIY mask वगैरह हो गया या कुछ भी, तो ये set आपके लिए बहुत ज़रूरी है. This one's cost me around 300 something. तो prices अगर मैं confirm नहीं बता पा रही हूँ तो मैं screen पे mention कर दूँगी, don't you worry at all. So इसमें आता है एक silicone cup, ठीक है, एक साथ में spatula और एक brush mask वगैरह apply करने के लिए, ठीक है, और साथ में जो है इसके हैं these spoon, मतलब measurement के हिसाब से आप चीज़ जो है इससे उठा सकते हो. Then we have these tissue mask, like आप कोई भी DIY mask बना रहे हो, tomato, strawberry, इन सब चीज़ों को mix करके आपने सिर्फ इसको खोलना है और इसमें dip करना है, उसकी जो सारा serum वगैरह है वो इसमें absorb हो जाता है और then इसको आप अपने face पर apply कर सकते हो like a sheet mask की तरह. तो totally recommend ये सेट. देन मैंने ख़रीदा है एक हेड बैंड. मैंने पिछले बार भी एक हेड बैंड ख़रीदा था लेकिन उसमें इलास्टिक थी, लाइक उसको यूं करके पहनना होता था, जो कि अक्सर लाइक मेरा सर काफ़ी बड़ा है, आई एम सॉरी, बट वो काफ़ी थोड़ी देर पहनने के बाद वो काफ़ी पेनफुल हो जाता था, लाइक वो इस एरिया को प्रेस करता था. तो आई थॉट गेट अ हेड बैंड जो कि प्रेस ना करता हो, ईजी टू वेयर हो, लाइक इसको आप इस तरह से करेंगे, ठीक है, एंड इस तरह से करके एंड समथिंग लाइक दिस. आई एम लविंग इट. हो सकता है स्किन केयर वीडियोज़ में आप लोग ये वाला हेड बैंड देखो मेरे सर पर. देन आपको पता है कि मिनीसो का डायमंड शेप जो ब्यूटी ब्लेंडर था वो कितना ज़बरदस्त ब्यूटी ब्लेंडर था, लेकिन द थिंग इज़ कि वो अब ख़राब हो चुका है और अगेन मैं वो ख़रीदने के लिए मिनीसो गई थी एंड वहाँ पे वो मुझे मिला नहीं, लाइक आउट ऑफ स्टॉक हो गया है. तो आई थॉट लेट्स ट्राई अनदर स्पंज. तो मैंने ख़रीदा है उनका इमोजी पाउडर पफ. सो लेट्स सी कि ये कैसा है, मैं किसी वीडियो में यूज़ करके दिखाऊँगी. It is not super soft as compared to the diamond one. ठीक है, इसको मैं गीला करके आती हूँ कि ये इसका साइज़ बड़ा होता है कि नहीं. अच्छा भाई, तो ब्यूटी ब्लेंडर लुक्स लाइक दिस. ब्यूटी ब्लेंडर तो नहीं, ब्यूटी स्पंज लुक्स लाइक दिस. साइज़ में जो है ना ये डबल हो चुका है जनाब, जो है फूल चुके हैं अब. और ये सुपर रीजनेबल इन प्राइस था, 200 समथिंग, सुपर अफोर्डेबल एंड टोटली रिकमेंड. लाइक बहुत सॉफ्ट हो चुका है, इट इज़ नॉट हार्ड, इट इज़ नॉट हार्ड ऑन योर फेस एज वेल. ठीक है, अब कितना प्रोडक्ट ये एब्जॉर्ब करता है ये तो पता नहीं, ये तो यूज़ करने के बाद ही पता लगेगा. किसी वीडियो में यूज़ करके आपको दिखाऊंगी. अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी है वो ये कि भाई इन जनाब को मैंने गीला किया और इसमें इतना बड़ा डेंट एक यहाँ पर पड़ा हुआ है और एक यहाँ पर पड़ा हुआ है. वाई मिनीसो, वाई यू आर डूइंग दिस? सो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो मैंने परचेज किया वो मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो है एक ट्रैवल किट. ठीक है, जिसमें आपको टोटल 5 चीज़ें मिलेंगी. ये है वो ट्रैवल किट, इसमें टोटल 5 चीज़ें आपको मिलेंगी. अगर आप कहीं पे जा रहे हो, आप अपने साथ फेस क्रीम, ठीक है, आई क्रीम, फेस वॉश और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर लेके जाएंगे तो पूरा बैग उन्हीं चीज़ों से भर जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ट्यूबें होती हैं एंड यू डोंट वॉन्ट टू डू दैट. एक तो बैग भारी हो जाएगा, दूसरा ये कि जो वो स्पेस है वो ख़त्म हो जाएगी बाकी चीज़ों के लिए. सो उसके लिए आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन. इसमें आपको मिलेंगी 2 टब, आपको 2 मिलेंगी इस तरह से ट्रांसपेरेंट. द क्वालिटी इज़ रियली गुड. इसकी जो प्राइस थी वो 600 समथिंग. और इसमें ये जो है ना एक टब जार है जिसमें आप अपनी आई क्रीम या फेस क्रीम डाल सकते हो. दूसरा वी हैव एक एसेंस वगैरह अगर आप लेके जा रहे हो, हैंड क्रीम या लोशन वगैरह अगर आपने लेके जाना है, यू कैन यूज़ दिस बिकॉज इसके अंदर यू विल हैव अ पम्प. ठीक है, ये देखें. अगर आप कॉलेज वगैरह जाती हो और यू वांट टू यूज़ मिस्ट, फेस मिस्ट, और आप इतनी बड़ी बोतल अपने साथ बैग में लेकर नहीं जाना चाहती क्योंकि बुक्स वगैरह भी होती हैं, यू नो, भारी हो जाता है, सो यू कैन यूज़ दिस वन लाइक टीनी टाइनी. आप इसको फ्रिज में रख सकते हो और अपने बैग में सुबह जाते हुए बैग में डाल सकते हो. लाइक यू कैन सी ये है स्प्रे पम्प, इसमें आप इसको भर के यू नो easily spray कर सकते हो. Last but not least, if you want to carry a hand wash, ठीक है, या face wash, तो बात क्या है, आपने ये चीज़ जो है ना, ये वाली चीज़, ये
बीच में जो है ये गुमानी नहीं, अगर ये चीज़ आपने गुमा दी, ये वाली चीज़ अगर ये चीज़ आपने गुमा दी तो फिर आप इसको कैरी करके नहीं लेके जा सकते बैग में, क्योंकि ये पंप फिर खुद ही दबता रहेगा और सारा जो हैंड वॉश है या फेस वॉश है वो जो है वो आपके बैग में डुलता रहेगा। सो मेक श्योर कि ये वाली चीज़ आप संभाल के रखें अपने पास। तो ये जो हैं ये पाँच चीज़ें हैं, लाइक ये दो हो गए, ये जार टब जार जो है फॉर आई क्रीम और फेस क्रीम के लिए, और बाकी ये चीज़ें। इसके साथ एक ये प्लास्टिक बैग आता है जिसमें इन सब चीज़ों को आप रख के अपने बैग में डाल के कहीं भी कैरी कर सकते हो, ठीक है। ये जो कार्डबोर्ड वाला कार्ड है इसमें से आप रिमूव कर सकते हो। लाइक टोटली रिकमेंड दिस थिंग। ओके सो जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने आपके साथ शेयर करना है वो है आई लैशेस, ठीक है। मिनीसो में बहुत सारी वैरायटी है आई लैशेस की, और ये वाली आई लैशेस जो है सिंथेटिक हैं, ये थोड़ा बहुत प्लास्टिक की लुक दे सकती है आपकी आईज पर, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दीज आर रियली कम्फर्टेबल। मैंने इनकी पहले भी लैशेस यूज़ की थी, वो तीन अदद थी, मतलब तीन अदद लैशेस थी, और वो इससे थोड़ा सा हल्का स्टाइल था लेकिन ये थोड़ा सा फुलर स्टाइल है। बट आई डोंट नो कि अब ये इसको मैं अप्लाई करूँगी तो ये कम्फर्टेबल होंगी या नहीं, क्योंकि मेरा पिछला एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा था और इनकी प्राइस 200 समथिंग है, 295 समथिंग, दीज आर सुपर रीजनेबल इन प्राइस। तो आई थॉट व्हाई नॉट लेट्स ट्राई दिस आउट। एंड सबसे बड़ी बात, दीज आर सिंथेटिक लैशेज, तो दीज आर नॉट मिंक लैशेज। मिंक लैशेज जो हैं वो मिंक के बालों से बनाई जाती हैं, जो कि थोड़ा सा हार्मफुल प्रोसीजर है उनका। तो आई थॉट व्हाई नॉट ट्राई दीज सिंथेटिक लैशेज, लाइक किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचेगा एंड स्टाइल का स्टाइल हो जाएगा। सो इसमें काफ़ी सारी और भी वैरायटी हैं, सो इफ़ यू वांट थोड़ी सी हल्की फुल्की, इवन उन लोअर लैश के लिए भी वहाँ पे लैशेस पड़ी हुई हैं, लेकिन हम एशियन लड़कियों की जो लोअर लैश लाइन पे जो बाल हैं वो अच्छे खासे होते हैं। एशियन मतलब जो चाइनीज़ हैं उनके आई लैशेज़ बहुत ही कमज़ोर होती हैं, इक्का दुक्का होती हैं, सो उनके लिए लोअर लैश लाइन के लिए भी लैशेज़ वो लोग यूज़ करते हैं, बट हमारी अच्छी खासी होती है, हम सिर्फ ऊपर की लैशेज़ को घने दिखाने के लिए लैशेज़ यूज़ करते हैं। सो ये रही लैशेज़, मैं करीब से थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैंने ख़रीदा है मिनीसो से ब्लेंडर जो कि कुछ दिखता है इस तरह से, ठीक है। तो इसकी जो प्राइस थी वो थी 2600 रुपीज़, सबसे एक्सपेंसिव चीज़ जो थी वो सिर्फ यही थी, बाकी चीज़ें बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं थी। लेकिन आई थिंक कि ये जो जूसर और वट एवर जो भी ये कहलाता है, वर्थ एवरी सिंगल पेनी। सो जब से मैं इसको लेके आई हूँ तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, लाइक जूस बनाने के लिए हो गया, चाहे टमाटर का पेस्ट बनाने के लिए हो गया, लाइक कुछ भी, यू डोंट नीड टू यूज़ वाटर। लाइक टमाटर सीधा डालो इसके अंदर एंड 2 सेकेंड के अंदर ब्लेंड हो जाते हैं, यू डोंट नीड एनी वाटर इन इट, ठीक है। इतनी तेज़ी से और इतनी खूबसूरती से ये ब्लेंडिंग करता है, लाइक आप देख सकते हो कि आई एम यूजिंग इट, और ये ठीक तरीके से सूखा नहीं है तो ये अजीब सा लग रहा है। ये प्लास्टिक का, ठीक हो गया। आप जूस बनाओगे तो इसके साथ एक टेक अवे कैप भी है, लाइक इसको रिमूव करके ऊपर आप ये लगा सकते हो, ठीक है, और इसको आप कहीं पे भी अपने साथ कैरी कर सकते हो, इफ़ यू आर मेकिंग अ स्मूदी, इफ यू आर मेकिंग अ जूस वगैरह, ठीक है। सो इसको इस पर आप लगाओगे इस तरह से, लेट मी शो यू इसके ब्लेड्स, ठीक है, और इसको आप इस तरह से इसके ऊपर लगाओगे तो ये हो गई बॉटल, ठीक है। एंड या तो ये थी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों की हेल्पफुल रही होगी, आप लोगों को चीज़ें सेलेक्ट करने में थोड़ी आसानी होगी कि मिनीसो से आप क्या कुछ चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अगर आइंदा फ्यूचर में मैंने कुछ ख़रीदी मिनीसो से और चीज़ें तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। एंड टोटली रिकमेंड दिस, अगर आप एक हाउस वाइफ हैं, मदर हैं, आप लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाएगी लाइक विद दिस। हाँ, अगर कुछ जूस बनाना हो फिर बना सकते हैं। सुन लिया आपने, और कुछ कहना चाहते हैं आप? और कुछ नहीं कहना चाहते अदन खान। अच्छा भाई, नेक्स्ट वीडियो तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की और लड़कियों की हेल्प हो सके।